मानव प्रकृति की एक ऐसी देन है जिसने अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। अन्य प्राणियों में मानव उच्चतम जीवन जी रहा है, अपनी ही मस्ती में खोया है, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि यह सब कुछ नश्वर है। जन्मी हर वस्तु, जीव का अंत निश्चित है। इस सत्य को मनुष्य ने स्वीकारना चाहिए, अन्यथा वह अपनी बुद्धि का उपयोग अपना ही अस्तित्व नष्ट करने की भूल करेगा। इसका परिचय पहले और दूसरे महायुद्ध में मिला। हम आज तक महायुद्ध के परिणामों से जूझ रहे हैं। दुनिया में अमन और शांति प्रस्थापित करना मनुष्य के हाथ में है। दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी शारीरिक व्यंग्यता के कारण, कमी के कारण संघर्ष करना पड़ता है। इसी सूची में दृष्टिहीन लोग हैं, जिन्हें अन्य व्यक्ति की आंखों से दुनिया को देखना पड़ता है। लेकिन इस कथन को नागपुर के अंध विद्यालय के विद्यार्थियों ने झूठा साबित कर दिखाया है। यहां यह शिक्षा पाने के लिए अपने परिजनों का हाथ पकड़कर आते हैं, किंतु शिक्षित होकर स्वयं अपने गांव, अन्य शहरों में चल कर जाते हैं। यहां उन्हें खोई हुई आंखें नहीं, नई दृष्टि, नया विजन मिलता है, जिसके लिए राव साहब वाड़ेगांवकर जी ने अपना त्याग और समर्पण देकर अंध विद्यालय की 19 अगस्त 1924 को नींव रखी। वे स्वयं दृष्टिहीन थे। 1924 को लगाए गए इस पौधे का अब एक विशाल वृक्ष बन गया है। यह संस्था हमारी 1928 से दृष्टिबाधितों के कार्य में कार्यरत है। इस संस्था का वैशिष्ट यानी यह संस्था की स्थापना सर वामनराव वाड़ेगांवकर ने की थी। वो खुद भी दृष्टिबाधित थे। दृष्टिबाधित होने के बाद भी उन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए, उनके जीवन में कुछ नया करने के लिए, उनको आधार देने के लिए, उनका पुनर्वसन करने के लिए इस संस्था की स्थापना की। और 1928 से यानी गत 86 साल से यह संस्था इस कार्य में कार्यरत है। इस संस्था की जो कार्यक्षेत्र है वो नागपुर जिला है और आजू बाजू के मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, उसमें से भी कुछ विद्यार्थी विद्यार्थिनी यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद उनकी छात्रावास में पूरी व्यवस्था होती है और यहाँ उनको नाश्ता, खाना, पहनने के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, सीखने के लिए जो कुछ भी लगता है वो सारी चीज़ें यहाँ हम संस्था की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कर देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ आने के बाद विद्यार्थी है खूब पढ़े और कुछ अपने ट्रेड्स का यहाँ पढ़ाई करें, शिक्षा ले और अपने पैरों पे सम्मानपूर्वक समाज में खड़े रहे। में इस परिसर में यह इमारत में यह पाठशाला शुरू हो गई। 1949 में शेल्टर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड की स्थापना हुई। 1973 में हमारे वर्कशॉप की जो वास्तु है यह वास्तु तैयार हो गई। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन द्वारा संचालित अंध विद्यालय में 130 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और महाराष्ट्र शासन का जो अभ्यासक्रम है यह अभ्यासक्रम हम यहाँ सिखाते हैं। जो नॉर्मल स्कूल में अभ्यासक्रम चालू है वही अभ्यासक्रम हम हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं।
फर्क है सिर्फ लिपि का, हम ब्रेल लिपि में इनको पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल और दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक क्राफ्ट और दूसरा संगीत। संगीत के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं और वेल एजुकेटेड है और हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे जो दूसरा जो विभाग है हमारा शेल्टर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड, यहाँ 18 से 35 आयु तक के दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा है, प्रशिक्षणार्थी है, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। गार्डनिंग, कैंडल मेकिंग, रिकेनिंग, वीविंग, टेलरिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, मेणबत्ती तैयार करना, जो अगरबत्ती तैयार करना, यह सब हम प्रशिक्षण इनको देते हैं। हमारी संस्था की यह एक अच्छी विशेषता है कि हमको, हमारे संस्था को 1995 में महाराष्ट्र में बेस्ट इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र करके पुरस्कार मिला है। 1997 में दीनानाथ मंगेशकर पारितोषिक मिला है और 13 अप्रैल 2013 में महाराष्ट्र शासन का भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार मिला है। हमारी संस्था सेंट्रल इंडिया में छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दृष्टि बाधितों के लिए ज्ञान का यह बहुत बड़ा ब्लाइंड बॉय इंस्टीट्यूट और शेल्टर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड बहुत बड़ा केंद्र है। इस विद्यालय में महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। शिक्षा का संबंध आंखों से नहीं बुद्धि से होता है। यह एहसास जिन्हें आया है उन्होंने अपने बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए लाए हैं और बच्चों ने यह साबित भी कर बताया है। यहाँ से हजारों बच्चे पढ़कर गए जिन्होंने देश के संगीत,
कला, विधि, शिक्षा क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे यहाँ के सुप्रसिद्ध विदर्भ के जो पंडित सूरमणि प्रभाकर राव जी ढाकड़े हमारे स्कूल के विद्यार्थी थे, आज उनका नाम सारे दुनिया में रोशन है। सबसे अच्छी बात है दोस्ती। एक दूसरे को साथ देने वाले कब दोस्त बनते हैं यह उन्हें भी नहीं पता चलता, फिर यह दोस्ती उनके लिए जीने का हिस्सा बनती है। किसी चीज को याद रखना यह इन विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण पूंजी है। एक बार याद किया तो वे जिंदगी भर भूलते नहीं, वह चाहे कला हो, आवाज हो, चाहे संगीत। इन बच्चों से मेरा इतना लगाव हुआ है कि बहुत ही उनके प्रति मुझे, यानी उनको सिखाने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहुत ही एक रिश्ता उनमें और मुझ में एक रिश्ता तैयार हुआ है। और उनको मैं यहाँ पे शास्त्रीय संगीत में जो राग होते हैं वो राग मैं उनको पढ़ाती हूँ, और रागों के साथ ही आलाप तानाए। छोटे बच्चों के लिए बाल गीत जो होते हैं वो, और भाव गीत, भक्ति गीत, वैसे ही देशभक्ति पर गीत भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, और ये बच्चे उसे बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं और अच्छी तरीके से बोलते भी हैं। उनको पढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है, एक एक लाइन मुझे 10-10 बार पढ़ानी पड़ती है, पर एक बार अगर उनको याद हो गया तो वो कभी भूलते नहीं। और विभिन्न स्पर्धाओं में भी हम बच्चों को लेके जाते हैं, और वहाँ पे हमारे स्कूल का अच्छा नाम होता है। हमारी यही इच्छा है कि यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो उनको अच्छे से पढ़ाया जाए और आगे जाके उनको यहाँ का उसका कुछ फल मिले। मुस्कुराहट यह पहलू इनके जीवन की एक खास पहचान है। यह सकारात्मक सोच का परिणाम है। यह हारी हुई पारी को जीत में तब्दील करने वाली सोच है। यह सोच इन सभी विद्यार्थियों में है, इसलिए वे अपनी ही मस्ती में जीते हैं। इस विद्यालय में विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों की स्वतंत्र रूप से रहने की व्यवस्था की है, जहां विद्यार्थी अपनी स्वयं देखभाल करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे ही सीख तो यहां उन्हें मिलती है। यहां पढ़कर
वे अपनी दृष्टिहीनता भूल जाते हैं और बाहर जाकर अपनी जिंदगी बसाते हैं। एडल बच्चों को केनी उसमें मेनबत्ती तैयार करना, उसके बाद में विविध प्रकार के ट्रेड मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और यहाँ से बच्चे पढ़ के जब तैयार हो जाते हैं तो अपने समाज के अंदर में अपने छोटे छोटे व्यवसाय इन्होंने तैयार किए हैं। उनको चलना, उनको खाना खाना, उनको कैसा रहना, इसकी सब निहोर से उनको मैं पढ़ाता हूँ और उनको मोबालाइज करके जीने की कला जो है ना समाज के अंदर कैसा जी सके इसके बारे में हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। और हम मुझे बड़ा आनंद होता है कि जब वो समाज के अंदर में जाते हैं तो अपना अंधत्व भूल के वो सामान्य जीवन जीना चालू कर देते हैं। इवन मुंबई, इवन पुणे, इवन नासिक, इस जगह खुद अकेले जाते हैं और खुद अकेले आते हैं। इसका बड़ा मुझे आनंद होता है। मैं अपने माध्यम से कई बच्चियों की शादी कर दी है और कई बच्चियों का घर हमने बसाया है। मुझे बड़ा आनंद होता है कि इस माध्यम से मैं अंधो बच्चों को मोबालाइज करता हूँ और एडल बच्चों को इस समाज के अंदर में कैसा जीना, कैसा रहना, इसका मैं तहे दिल से उनको प्रशिक्षण देता हूँ और उनको पाँव पे खड़ा करता हूँ। हम सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज अर्थात वैश्विक गाँव बन गई है। कंप्यूटर के इस जमाने में कंप्यूटर साक्षरता अनिवार्य है। जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं उसे अनपढ़ गवार कहा जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा सभी को अनिवार्य है। यहाँ सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं उसे अनपढ़ गवार कहा जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा सभी को अनिवार्य है। यहाँ सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थी यह शिक्षा मजे लेकर सीख रहे हैं। ब्रेन लिपि। जब से ब्रेन लिपि का आविष्कार हुआ यह लिपि दृष्टिहीन लोगों की प्राणवायु की तरह हो गई है। सार्वभौम समाजवादी, सार्वभौम समाजवादी, बच्चे पढ़ते हैं। मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने इस स्कूल में रहकर एमए तक पढ़ाई की। ये ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने निर्माण किया है। यहाँ पे जैसा ब्रेल लिपि में पाटी के ऊपर उनको लिखना सिखाते हैं, उसके बाद में एक ब्रेल मशीन करके यहाँ पे है, वो ब्रेल मशीन पे हम बाकी बच्चों को आगे पढ़ाते हैं।
मैं यहाँ पे खास करके क्राफ्ट पढ़ाता हूँ, जैसे कुर्सी बुनाई, हैंड बैग, पाइप पूछनी, ये सब पढ़ाने के बाद बच्चों को आगे चल के उनको रोजगार के बारे में उनकी सुविधा होती है। संगीत का हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत के बिना जीवन अधूरा होता है। संगीत से जीने की उम्मीद बढ़ती है, अर्थात संगीत यह व्यक्ति के जीवन का सशक्त माध्यम है, जिससे उसका तनाव कम हो जाता है और जिसे उससे लगाव हो जाता है, वह उसी में खोता है। यह संगीत सिखाने के लिए संगीत टीचर को खास नियुक्त किया है, जो विद्यार्थियों को हारमोनियम, तबला बजाने के साथ साथ गाना भी सिखाते हैं। अन्य स्कूल में इस संगीत जो क्षेत्र होता है ये ऑप्शनल होता है, लेकिन अंध विद्यालय में संगीत सिखाना ये अनिवार्य है, क्योंकि इन बच्चों का आगे जाके इनका रोजी रोटी का भी साधन हो सकता है। कक्षा पहली से लेकर सातवीं तक यहाँ हम बच्चों को तबला और गायन पढ़ाते हैं। तबले में पहली से लेकर चौथी तक विभिन्न ताल, उसके बाद कायदा, उसके बाद दुगुन, तिगुन और कायदे रेले पढ़ाए जाते हैं। पांचवी से सातवीं तक इन बच्चों का लेखी और प्रैक्टिकल भी होता है। इनमें थ्योरी में विभिन्न घरानों की माहिती, उसके बाद विभिन्न रेले, घरानों की रेले, कायदे पढ़ाए जाते हैं। मैं इनको ढोलक, कांगो, एक्टोपैड के वाद्य पढ़ाता हूँ। इसका मकसद ये है कि बच्चे अपना करियर संगीत क्षेत्र में करें और अच्छा नाम कमाएं, और इनकी जो कला है ये कला उनकी रोजी रोटी का साधन बने। यह विद्यार्थी जीवन के हर पल का लुत्फ उठाते हैं, उनके लिए हर पल महत्वपूर्ण है। बच्चे काफी नटखट है, अपने विशेष गुणों पर लोगों का ध्यान आकर्षित भी करते हैं। खेलकूद यह व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं मानसिक भी तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। इस विद्यालय में खेलकूद में रुचि बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षक का चयन किया गया है। सबसे
मेन बात है कि फिजिकल टीचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि बच्चों का विकास यही सब फिजिकल टीचर पे ही रहता है, और बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए बच्चों को ये उनके लिए सबसे मेन पार्ट रहता है बच्चों का। यहाँ पे बच्चे सभी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है और क्रिकेट है, ये सभी स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। बाकी छोटे इंडोर गेम्स भी रहते हैं, जैसे कि चेस है, और बच्चों के खेलने के लिए पासिंग द बॉल वगैरह ऐसे कुछ खेल से वो सब स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं। जानते हैं कि ऐसे दृष्टिहीन लोग समाज के दया पर जीते हैं, उन्हें भी ऐसी आदत लगती है जिससे उनका पूरा जीवन पराधीन बन जाता है, वे अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं। ऐसे लोग खासकर रेल में, बस स्टॉप पर भीख मांगते नजर आते हैं, किंतु इस विद्यालय से शिक्षित विद्यार्थी इसके लिए अपवाद है। अपने कला और बुद्धि के बल पर वह किसी से कम नहीं। इनकी कला और बुद्धि देखकर हम स्वयं को बौने दिखाई देते हैं। हस्तकला में हम लोग क्या, सबसे पहले बच्चों को ये स्टूल है वो लकड़े का, उसमें पहले कैसे बांधना, बंधन करके वो सिखाते हैं उनको, और बाद में उनका ताना बाना पूरी फ्रेम उनको सिखाते हैं। और जो हस्तकला में जो रस्सी का होता है पाइपोस्ट, उसमें भी हम लोग पोछने का वो भी पढ़ाते उनको, और गले का मोती का हार बनाना सिखाते उनको। नेक्स्ट उनको उसके काम में आना चाहिए, इसलिए उनको ये सब हम लोग पढ़ाते हैं। अभी हमने ड्रोन बनाने का यानी उपक्रम शुरू किया है, फिलहाल काम चालू है। हमारे बच्चे बाहर ग्रामीण भाग यानी भाग में से आते हैं, और यह हॉस्टल की सुविधा है, और ये 4 साल तक हम उनको सभी विभाग में उसका प्रशिक्षण करने के बाद उसको डिप्लोमा वगैरह देते हैं, तो ताकि वो बच्चे अपने बाहर जाने के बाद अपने स्वयं अपने पैर के ऊपर खड़े हो सके। सभी व्यवहार में कैसा बर्ताव करना और क्या करना सब उनको हम समझाते हैं, और हमारे बच्चे में जो काम कर रहे हैं हम, तो हमको बहुत आनंद मिलता है। यह बागवानी का काम भी सिखाया जाता है। यह काम विद्यार्थी दिल लगाकर करते हैं। यह काम जीवन यापन का एक साधन बन सकता है। बच्चों को बाग काम का ट्रेनिंग देता हूँ, जैसा कुंडी भरना, पॉकेट भरना, कलम बांटना, कटिंग करना, माटी भरना, खत मिलाना, ये सब काम बच्चों के हाथों में करता हूँ मैं, और आगे चल के वो अपने लाइफ में कुछ बाहर जाके सीखे, इसके बारे में मैं पूर्ण माहिती उनको देता हूँ। इस संस्था के जरिए हमें नए नए रोजगार प्राप्त है, और हमें हमारे शिक्षक या सर हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। विविध प्रशिक्षण हमें इस संस्था के जरिए मिलते हैं, जैसे टेलरिंग, लिविंग, कैनिंग, और हमें हमारी संस्था पर बहुत गर्व है।
इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे सर लोग हमारे को अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे संस्था में कुछ कम नहीं है, हमको सब बराबर मिलता है। हम लोग सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 8 से 9 हम पढ़ाई करते हैं, फिर 9:30 बजे खाना खाने जाते हैं, 11 से 5 हमारा स्कूल होता है और हमें 5 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे हम खाना खाते हैं, 8 से 9 हम होमवर्क करते हैं और 9:30 बजे हम लोग सो जाते हैं। इस हॉस्टल में मुझे खाना पीना कपड़े ये सब सुविधा मिलती है और स्कूल में हिंदी इंग्लिश मराठी भूगोल ये सब पढ़ाए जाते हैं। हमारे टीचर हमें बहुत मदद करते हैं। इस अंध विद्यालय के विद्यार्थियों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ विद्यार्थी अपना गांव, घर और परिजनों को छोड़कर आते हैं, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। यहाँ के शिक्षक विद्यार्थियों को उनके परिजनों की कमी खलने नहीं देते, उनके शिक्षा के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान देते हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं उनकी बहुत अच्छे से स्नेहपूर्वक व्यवस्था है और जिनको कभी तकलीफ होती है तो मुझे तुरंत बुलाया जाता है और बच्चों के साथ जैसे मैं बात करती हूँ तो हमेशा ऐसे लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से साथ देते हैं। किसी एक की तबीयत अगर ख़राब हो गई तो दूसरे बच्चे भी उनको संभालते हैं, क्योंकि वैसे ही उनको घर के बाहर रहना पड़ता है तो मन से तो काफ़ी बच्चे दुखी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो प्रेम देते हैं और साथ साथ हिम्मत भी बढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को जैसे नए आते हैं तो रात में नींद नहीं आती या डर लगता है या नींद में ही उनको पेशाब हो जाती है, तो उसमें भी बाकी बच्चे और यहाँ जो स्टाफ है वो भी उनके अच्छी व्यवस्था करते हैं। अभी पिछले महीने में ही हमने यहाँ एक कैंप लिया था कि जिसमें उनकी पूरी स्वास्थ्य के बारे में अभी हमारे पास जानकारी आ गई है, तो आगे भी उनको डेंटल चेकअप उनका अभी हमने रखा है या आँखों की और जाँच करना और जिनके यानी खून की जहाँ कमी है तो हीमोग्लोबिन टेस्टिंग भी करने वाले हैं और वैसे वैसे आगे हम उसके उपचार भी करते हैं। इस विद्यालय की एक समय सूची है, समय के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं होता, इसके लिए यहाँ की व्यवस्थापन समिति धन्यवाद के पात्र है। इस समिति ने विद्यार्थियों के भोजन की खास व्यवस्था की है। यहाँ हमारा छात्रावास है और भोजन कक्षा है, दोनों है। यहाँ करीबन 150 विद्यार्थी यहाँ रहते हैं छात्रावास में और उनकी भोजन और निवास की व्यवस्था यहीं पर है। सुबह बच्चे जो है वो स्कूल के बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद उनका प्रातर्विधि पूरा होने के बाद फिर 7 बजे यहाँ प्रेयर होती है। प्रेयर होने के बाद चाय, उनको चाय और बिस्किट्स वगैरह दिया जाता है। उसके बाद 9:30 बजे उनका भोजन होता है, 11 बजे स्कूल शुरू हो जाती है। उसके बाद
स्कूल 2:30 बजे तक होती है, 2:30 बजे उनका नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद फिर स्कूल होती है, शाम को 5 बजे तक स्कूल रहती है। बच्चों को यहाँ हॉस्टल में पूरी सुविधाएं दी जाती है, भोजन में भी उनको दोनों टाइम सब्जी रोटी दाल चावल ये सब खाना होता है, कोई अगर त्यौहार होता है तो वहाँ उनको फीस दिया जाता है। और बच्चे यहाँ जो रहते हैं वो बहुत खुश है, सभी लोग यहाँ उनको मदद करते हैं, हमारा स्टाफ भी अच्छा है, मेस का पूरा मेस के लोग भी उनको बहुत सारी मदद करते हैं, और यहाँ जब बच्चे रहते हैं तब बहुत खुश होते हैं। ये इनकी सेवा करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगाव है, मुझे भी काफ़ी अच्छा है, मिलता है, जितना ज़्यादा हो सके मैं सेवा देने की कोशिश करता हूँ। यह सेवा अभी तक मैं चल कर रहा हूँ, आगे भी सेवा अच्छे से अच्छी सेवा देने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ से शिक्षित होकर बाहर निकला विद्यार्थी अपने और देश के विकास के प्रति योगदान देने की भाषा बोल रहा है। हमने भी अपने प्रामाणिकता का परिचय देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका भविष्य सुरक्षित रखने का विश्वास उन्हें देना चाहिए।